गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑटोमोबाइल फील्ड से हमें पढ़ना है उसका यूनिट वन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें जो 1.1 है, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है मैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ये तीन टॉपिक है आपका लेक्चर नंबर टू में, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए मैग्नेटिज्म। तो लिखिए मैग्नेटिज्म के अंदर, मैग्नेट when they are attract or repel each other, ठीक है। क्या बोले, मैग्नेटिज्म क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो एग्जर्ट होता है कहाँ, मैग्नेट पे, जिसके कारण रिपेल या अट्रैक्शन हमारा फेनोमेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, मैग्नेटिज्म इज कॉज बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज डेवलप्ड इन 1821 बाय हंस क्रिश्चियन, हंस क्रिश्चियन ये है, हंस क्रिश्चियन ये डच के थे, डच साइंटिस्ट है, उसी ने पहली बार मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। मतलब जहाँ भी हम लोग जो भी मैग्नेट पे फोर्स लगाते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का, उसी को वही जो फेनोमेना होता है वो मैग्नेटिज्म होता है। चलिए आगे टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म लिखिए। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म लिखिए। पहला फेरोमैग्नेटिज्म, दूसरा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, तीसरा फेरी मैग्नेटिज्म, चौथा पारा मैग्नेटिज्म, पांचवा डाई मैग्नेटिज्म।
जनरली हम लोग यही फाइव पढ़ते हैं। इसके अलावा एक मैग्नेट और प्रॉपर्टी है जो हम लोग जब फिजिक्स से ऑनर्स ऑनर्स करेंगे तो आप लोग को इसमें कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है कौन मटेरियल्स का यूज होता है कौन नहीं मटेरियल का यूज होता है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग को यही फाइव देखना है। ऐसे एक सिक्स नंबर और है प्रॉपर्टी बेस, ठीक है, जिसका यूज हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। एक्चुअली यहाँ बात ही नहीं करते हैं क्योंकि वो जब मैग्नेटिक्स का प्रॉपर्टी आजकल नहीं मिलता है। एक्चुअली ये हम लोग जो अपने से बनाते हैं मैनमेड रहता है उसका नाम रहता है, ठीक है, जिसको इंसान बनाता है अपने लिए, मतलब ह्यूमन यूजेस, ठीक है, जो आजकल आर्टिफिशियल आप लोग देखते हो कि एक से एक जो है मैग्नेट आजकल हम लोग के सोसाइटी में हमारे यूजेस में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। और कुछ बताते हैं मैग्नेटिज्म में आप लोग जो पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब ऐसे ही आप लोग पेज भरने के लिए बता दिए कि आप लोग कहीं जाओ तो लिख सको, ठीक है। छः नंबर जो मैग्नेट था उसका यूज नहीं आता इसीलिए नहीं, पाँच ही लिखिएगा। चलिए अब आप लोग देखिए मैग्नेट देखे होंगे हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, तो चलिए ये मैग्नेट बताते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कभी भी एनर्जी जो होते हैं नॉर्थ के पास ज़्यादा होते हैं साउथ के पास कम होते हैं। अगर आप इसको ब्रेक करिएगा तो यहाँ पर साउथ बना लेगा यहाँ पर नॉर्थ बना लेगा। ब्रेक का मतलब बीच से तोड़ देंगे, जैसे इसको हम ऐसे इतना इतना बड़ा है, ठीक है, इसको हम बीच से काट दिए तो काट दिए तो क्या है, दोनों अलग अलग हो गया, अलग अलग होने ऐसा हो गया, तो ये अपने आप साउथ बना लेगा और ये इसको नॉर्थ बना लेगा। फिर से अगर मैग्नेट को तोड़ जितना भी तोड़े वो यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ बना लेगा, ठीक है, वो अपने आप नॉर्थ साउथ बनाते रहेगा। मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी है कि एक के पास हाइयर रहेगा एनर्जी मैग्नेटिज्म का चुंबक का और दूसरा के पास कम रहेगा। तो इसमें जो फ्लो होता है फ्लक्स का नॉर्थ वर्सेस साउथ, तो वो कैसे होता है, नॉर्थ से एनर्जी जो है वो निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में इंटर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, नॉर्थ से एनर्जी निकल के साउथ अंदर अंदर कैसे मिलता है थोड़ा सा, ये नॉर्थ के पास जाते कंसंट्रेशन साउथ के पास कम है, तो क्योंकि तुम लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो ये हमारे मैग्नेटिक्स में ऐसे ही होता है। आप लोग बना लीजिए चाहे किस टाइप का भी मैग्नेट हो, चाहे ऐसा हो मैग्नेट या कोई भी फॉर्म का हो, ठीक है, सर्कल हो, सब में वो क्या करता है अपना प्रॉपर्टी बना लेता है मैग्नेटिज्म का नॉर्थ साउथ का, और जो भी नॉर्थ है वहाँ से एनर्जी निकलता है मैग्नेट फ्लक्स निकलता है और कहाँ जाता है, ये सारे फ्लक्स हैं, क्या है, फ्लक्स किरने, किसकी किरने, फ्लक्स वो चुंबक वाले किरने, ये चुंबक कभी भी सटाते हो तो देखते हो ना कि एनर्जी लगता है वो फ्लक्स होता है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिज्म है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। चलिए इसके बारे में कुछ लिखते हैं, लिखूंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Electromagnetism is produced when an electric current flows through a simple conductor. Electromagnetism is produced when an electric current flow through a simple conductor. Simple conductor such as wire or cable. जैसे ये वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है,
ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये फ्लक्स सेम, इसमें ये पूरा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, इसमें ग्रुप ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जैसे ये सिंपल एक वायर है, ठीक है, और ये क्या है कॉइल, कॉइल मतलब वही जो तार जो हम लोग देखते हैं, ये दोनों अलग फिगर है, ठीक है। तो अगर एक सिंपल वायर है, एक तार है, तो उसमें क्या होगा, एक ही लाइंस ऑफ फ्लक्स बनेगा, मगर अगर हमारा कॉइल है तो उसमें नंबर ऑफ फ्लक्सेस बनेंगे। जैसे यहाँ से एनर्जी निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे, ठीक है, एनर्जी निकलते रहेंगे, ठीक है। तो ग्रुप्स ऑफ फ्लक्सेस होंगे, इसमें क्या है वायर में क्या होंगे, सिंगल फ्लक्स होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखे, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव इन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड time in the wave are perpendicular to each other। ठीक है, एक फिगर बन गया था, इसमें हम लोग ये बोल सकते थे फिगर में कि क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहाँ क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्यों ग्रुप है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फ्लक्स है, फिगर बन ही गया था। और भी कुछ बता देते हैं आप लोग, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जब वायर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए, मैग्नेट वाला, कभी भी वायर जाता है होगा छत के तार पे, तुम लोग देखते हो या बड़े बड़े पोल देखते हो, उसमें क्या है वायर से आवाज आती है झन 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 झन, वो सब क्या है मैग्नेटिक पावर है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबक इफेक्ट है, वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी के लिए तुम लोग सुनते हो कि मम्मी बोलती होगी कि उधर जिधर पॉल उल है उधर नहीं जाने रात में या दिन में, क्योंकि उधर जाने से हो सकता है तुम अगर भींगे हुए हो, तुम अगर कट तेरा शरीर कट उठ गया है, तो तुमको हो सकता है तुम्हारे में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या चार्ज पार्टिकल एक्टिवेट हो जाता है, तो हो सकता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी अगर होगा तो हमको अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। इसी के लिए मम्मी सुनती होगी, तुमने सुना भी होगा कि खेत उत में क्या है जानवर तार से या पॉल से चिपक गए, तो फ्लक्स के कारण ही होते हैं, होता क्या है जैसे आपके पास चार्ज है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, सेम इसमें वही एनर्जी होता है, ऐसे ही जाता है, प्लस से कहाँ जाएगा माइनस में, ठीक है, प्लस से कहाँ जाएगा माइनस में, प्लस से निकलेगा और जाएगा कहाँ माइनस में, ठीक है। इसमें भी क्या होता है प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो हमारा क्या होगा एनर्जी प्लस से निकल के, क्योंकि प्लस के पास हायर कंसंट्रेशन है, इसके पास लोअर कंसंट्रेशन। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होते हैं, ठीक है, तो टॉपिक डालिए लॉज ऑफ, लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्लास इंडक्शन का मतलब होता है कि हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है। हम लोग दे ले रहे हैं फ्लक्स, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो दे नहीं रहे, हम लोग दे रहे हैं करंट, उसमें वोल्टेज करंट दे रहे हैं, उसके कारण फ्लक्स जनरेट होता है, तो उसको इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन का मतलब हम लोग दिए लाइन और उसमें कुछ और एनर्जी आ गया तो वहाँ इंडक्शन का हम लोग यूज करेंगे। मतलब हम लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल और एनर्जी आ जा रहा है मैकेनिकल, या मैकेनिकल दे रहे हैं तो आगे इलेक्ट्रिकल, तो ये दोनों प्रोसेस को, जैसे आप लोग नाम सुने वो मोटर या जनरेटर, मोटर में क्या हम लोग देते हैं लाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कन्वर्ट हो जाता है क्या मैकेनिकल एनर्जी। सेम जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल हाथ से घुमाते हैं और कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फंक्शन आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ भी क्या है ईएम इंडक्शन हो रहा है। सेम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि हम लोग दिए कुछ और कुछ और प्रॉपर्टी आ गया। अब वो कैसे आया, जैसे हम लोग लाइन दिए प्लस माइनस दिए और मैग्नेटिक, वो घुमाने का प्रॉपर्टी आ जाता है, मूविंग करने का, मूव करने का स्टाफ घुमाने लगता है, तो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आते हैं क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी होता है, इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक को प्रोड्यूस करते हैं। मगर मैग्नेटिक हम लोग को महंगा मिलेगा, महंगे आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमको पता है वायर को अगर हम लोग फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे, तो वो भी हाई फ्लो ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें चुंबक की ज़्यादा पावर हो जाती है। इसी के लिए कभी भी देखें हीटर के पास हाथ रखो, ज़्यादा हीट है मगर वही वायर को सीधा कर देंगे तो हमारा उसे हीट बहुत कम आएगा, उससे एनर्जी बहुत फ्लक्स बहुत कम निकलेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डाली लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो लॉज है इसको दिए थे फैराडे ने, फैराडे भैया आए थे फैराडे, इसीलिए फैराडे ने दिया, इसी को फैराडे लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका ये भी नाम है, ठीक है। तो इसमें ये जो फैराडे लॉ है, ये दो टाइप दो लॉ दिए थे, तो आप लोग लिखिए लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसको हम लोग भी फैराडे लॉ भी बोलते हैं। तो लिखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, टॉपिक डालिए फैराडे फर्स्ट लॉ। देखिए व्हेन कंडक्टर्स कट ए मैग्नेटिक लाइन्स, व्हेन द कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कट्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, an EMF is induced in the conductor. क्या बोले फिर से सुन लीजिए आप लोग, हम ये बोलें कि when conductor cuts a magnetic flux, a magnetic lines of flux, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कॉमा ए EMF इंड्यूस इन द कंडक्टर, EMF इंड्यूस इन द कंडक्टर, सेकेंड लॉ जिसको फैराडे सेकेंड लॉ लिखिए, बस वो यही बोला था कि जहाँ भी अगर हम लोग का लाइन होगा, मतलब जहाँ भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे तो वो हमारा क्या है वोल्टेज को इंड्यूस EMF जनरेट वोल्टेज जनरेट कर देगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे सेकेंड लॉ, इसमें इक्वेशन उसने दिया था, लिखिए an EMF induced in the conductor is directly proportional to the ratio of change of flux, proportional to rate of change of flux, second इसने एक इक्वेशन भी दिया था E =
बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एल हो गया लेंथ, ठीक है, बी हो गया वेलोसिटी, ठीक है, और साइन थीटा हो गया एंगल हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और ई हो गया हमारा यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस मतलब हम लोग दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड मगर हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाए। आप लोग बताते हैं ईएमएफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ जो होता है उसी को हम लोग वोल्टेज या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ और बताते हैं, ये फैराडे लॉस था। फैराडे लॉ पहला लॉ क्या बताया था कि अगर हमारे पास मैग्नेट है इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है, इधर नॉर्थ इधर साउथ ऐसा है अगर फिगर हमारे पास, ठीक है, और तो कौन सी भी जब एक तरफ नॉर्थ पोल है एक तरफ साउथ मैग्नेट है, तो जब नॉर्थ से तो आपको पता था कि नॉर्थ से एनर्जी कहाँ जाती है, साउथ में जाती थी, मतलब एक क्या फ्लक्स बनाती है, फ्लक्स का मतलब एक क्या अपना पावर बना दिया, एनर्जी इधर से इधर जा रहा है। अब अगर इसके बीच में कोई कंडक्टर हम लोग रखें, तो इस कंडक्टर कोई भी कंडक्टर को रखें, तो देखिए हमारे पास फ्लक्स जनरेट हो गया था, जैसे कंडक्टर को प्लेस किए तो इसमें क्या हुआ, एक वोल्टेज जनरेट होगा, यही है पहला लॉ। क्या बोला था कि अगर कोई भी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड में रखें तो ये क्या कंडक्टर क्या होगा, वोल्टेज जनरेट करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लाइंसेस में रखें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो वो कंडक्टर क्या करेगा, एक ईएमएफ जनरेट करेगा। किसका, वोल्टेज का, वोल्टेज का क्या, वोल्टेज जनरेट करेगा। हम लोग दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड मगर ये वोल्टेज प्लस माइनस जनरेट कर दिया, तो हम लोग क्या देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं और हमारा जनरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हमारा इंडक्शन प्रो, इंडक्शन का मतलब हम लोग दिए कुछ और सेम। कभी कभी क्या होगा कि हम लोग क्या किए, ये फ्लक्स नहीं दिए, कंडक्टर में हम लोग क्या दिए, लाइन दिए, प्लस माइनस दिए, इस लाइन के कारण क्या हुआ, यहाँ पे कॉइल में क्या हुआ, ये फ्लक्स जनरेट हो गया, मतलब यहाँ का एनर्जी यहाँ आने लगा। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग दिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों प्रॉपर्टी ही हमारा फैराडे बताया था। अब इसके लिए उसने राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया या लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज किया, इसका यूज किया था, इसका यूज किया था, थंब रूल का यूज किया था कि हमारा ये जो है ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा और जो फिंगर है वो मोशन ऑफ कंडक्टर बताएंगे, ठीक है। फिर एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था जिसमें ये क्या क्या करेंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये हमारा मोशन का डायरेक्शन, तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप लोग को, मगर आप लोग को फिलहाल यही पढ़ना है कि फैराडे लॉ क्या है। तो फैराडे दो लॉ बोला, पहला लॉ ये बोला कि अगर कोई भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड में रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वोल्टेज इंड्यूस कर देगा। और सेकेंड लॉ क्या बोला कि जो भी वोल्टेज होगा वो बी एल वी साइन थीटा के फॉर्म में रहेगा। इसके अलावा जो सेकेंड लॉ है उसने एक इक्वेशन भी दिया था, देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ तो हम क्या बोला, पहला लॉ क्या है, वोल्टेज जनरेट करेगा। सेकंड लॉ क्या बोला था, ये जो ई होगा वो किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी फाई बाई डी टी, ये फ्लक्स होगा उसके टाइम के चेंजेस के साथ। और इस इक्वेशन को जब इक्वल करेंगे तो हमारा जो क्या आया था, माइनस डी फाई बाई डी टी, भाई माइनस जो आता है किसके कारण आता है, ये माइनस आता है लेंज लॉ के द्वारा, लेंज भी आए थे लेंज लॉ के द्वारा। लेंज लॉ क्या बोला था कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कॉमन सी बात है हम तुम्हारे तरफ बढ़ेंगे तुम दूर भागेगा, और जब हम दूर भागेंगे तो तुम पास आओगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोला कि जब आप सर्किट की तरफ जाओगे ना तो सर्किट मुंह फेरेगा, हमने काम करना है इसके साथ, और जब तुम दूर भागोगे तो सर्किट तेरे पीछे पीछे आएगा। इसी को लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट से इसमें ये बोला गया कि जब हम लोग कोई सर्किट पर वर्क करते हैं तो क्या करता है, अपने एफिशिएंसी कम कर देता है, जब वर्क नहीं करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी, बहुत सारे मेथड है। तो लेंज लॉ के हिसाब से माइनस आया था, ज़्यादा बातें नहीं करना है इस पर, ठीक है। बताए थे हम लोग ई बी एल में जो बी होता था फ्लक्स डेंसिटी होता था, ए जो होता था, एल जो होता था वो लेंथ होता था, ठीक है, बी जो होता था वेलोसिटी होता है, ये सब वेरियस वेरियस, ठीक है। बाकी साइन थीटा जो होता था वो एंगल होता था दोनों हमारा फ्लक्स मतलब वोल्टेज और फ्लक्स के बीच में। तो ये हमारा नॉर्मली जो था दो इक्वेशन था, फ्लक्स यही है लॉ ऑफ
मैग्नेटिक इंडक्शन या जिसको फैराडे लॉ भी बोलते हैं। फैराडे लॉ पहला क्या बोला था कि वोल्टेज ईएमएफ जनरेट होगा, सेकंड लॉ में इक्वेशन दिया था कि जो ईएमएफ जनरेट होगा फाई के डिफरेंस के बराबर, मतलब फाई के चेंजेस के बराबर होगा, तो इस परफेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए माइनस का साइन आया था। अभी मतलब ठीक है, अभी जो माइनस ये जो अब जैसे हम लोग बता दे रहे हैं थोड़ा सा और डिटेल जो टोकी है, देखो ये सब कॉइल बनता है ठीक। कॉइल में एक तो कॉइल है नहीं, एक तार है नहीं, बहुत सारा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो कॉमन सी बात है ये जो फाइव वाला फार्मूला था ये माइनस तो आता ही है शायद एन इंटू डिवाइड बाई डी टी। यहाँ एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, कितना बार कॉइल घूमा है, एक बार, दो बार, तीन बार, पाँच बार, दस बार, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो यही हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ था ठीक है। इसके अलावा और कुछ कॉन्सेप्ट बाकी और तो ऐसा कुछ नहीं। और अगर जानना चाहते हो तो जब बहुत सारा फाई मिलता है तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं जी, मतलब जीटा बोलते हैं नंबर ऑफ फाइल्स, फाइव को अगर नंबर ऑफ कॉल के साथ, तो इसको ये बोलते हैं। इसके अलावा और जो इंडक्टर होता है फाइव के बराबर होता है ठीक है, यहाँ से जब हटा देते हैं बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं ठीक है। और क्या आप बताएं लाइक और क्या बताएं, हाँ इसके इक्वल होता है। इसके अलावा और क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्या देखे फाइव किसकी इक्वल होगा, इसके ई हो गया नंबर ऑफ फाइव, आई हो गया स्मॉल फाइव ठीक है। और क्या है ई फाइव जो होता है करंट के इक्वल होगा, ये दोनों को जब इक्वल करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे वाई जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से जब एल करेंगे तो एल आई, और एल क्या होता है इंडक्टर ठीक है। और यही जब एम आ जाता है तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, जो हम लोग यहाँ पे कॉइल में देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंट, अपना इंडक्टेंट, अपना एनर्जी, और म्यूचुअल मतलब किसी और का एनर्जी तुम्हारे में आ रहा है। आप लोग नाम सुने हुए म्यूचुअल इंडक्शन भी, म्यूचुअल फंड नाम सुने हुए, तेरे बदला कोई और पैसा लगा रहा है तो म्यूचुअल फंड। तो सेल्फ इंडक्टेंट मतलब जैसे कॉइल है, कॉइल का अपना जो इंडक्टेंट अपना जो प्रॉपर्टी है उसको एल बोलते हैं, और इसका प्रॉपर्टी किसी और कॉइल को मिल रहा है तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि इसका एनर्जी ये ले रहा है तो म्यूचुअल ठीक है। तो ये सब है, बाकी इसके बारे में और वैसा कुछ नहीं ठीक है। क्लास आप लोग यही तीन टॉपिक के बारे में इतने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी कुछ नोट्स में भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है। क्लास बाय बाय, थैंक यू।